उसके बाद फिर लोड करने के टाइम मिलते हैं। हेड लारा पे दिखाने की कोशिश करेंगे और सुनने में आया है वो काफ़ी देर, तो आज सोचे उधर ही जाके थोड़ा शूट करें वीडियो और देखा देने के लिए। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, और आज फिर हम लोग जा रहे हैं वो इसी जगह पे, तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। तो आप लोगों को बताया भी है पिछले ब्लॉग में कि कहाँ पे जाते हैं और क्या करते हैं, तो आज जा रहे हैं फिर फेवर मशीन लोड करना है एक सेंसर, और दूसरा को सही करना है वो मैकेनिकल वाला को जिसका चैन जाम है। तो देखते हैं कब तक वो पहुँच पाते हैं, अभी तो 9 बजे से बज गया है और देखते हैं कितना टाइम लगता है। कल तो 1.5 घंटा जैसे लगा है जाम में फंस जाने की वजह से, आज देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी इस जगह हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पे दोनों सेंसर और मैकेनिकल फेवर है, तो अभी जा रहे हैं हम लोग सेंसर फेवर लोड करने के लिए। तो टेलारा आया हुआ है तो जा रहे हैं अभी लोड होगा, उसके बाद आपको दिखते हैं। फेवर लोड करने के लिए सब चीज़ें कुक कर रहे हैं, उसके बाद फिर लोड करने के टाइम मिलते हैं। अभी हम लोग का जो फेवर लोड हो चुका है टलारा में, जो देख सकते हैं इधर। अभी जाने के लिए तैयारी में मोजरंग देख सकते हैं इधर में, ये उस्ताद जी लेके जाएंगे। फाइनली हो चुका है हम लोग का लोड फेवर सेंसर, और अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। 2 बज चुका है, लंच का टाइम हो चुका है अभी, तो अभी कुछ कुछ सामान फेवर का फिट किए हैं, कुछ बचा हुआ है वो सारे लगाना है और खाना खाने के बाद। तो मैं इमरोज मलिक, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को कल वाले भी जो शूट किए ब्लॉग वो तो आप लोगों को नहीं दिखा पाए क्योंकि वो किसी भी रीज़न से वो डिलीट हो गया है। जो अभी वो ड्राम देख रहे हैं हम लोग का, वो LDO का ड्राम है, और LDO का कल गाड़ी आया था टैंकर 12,000 लीटर का, तो वो अनलोडिंग रात में हुआ है 11 बजे रात तक, उसके बाद वो रात में चला गया है। तो शूट किए थे ब्लॉग, वो किसी ने किसी का चीज़ का रीज़न से वो डिलीट हो गया वो ब्लॉग, तो आप लोगों को नहीं दिखा पाए। और अभी जो है देख सकते हैं पूरा सारा चीज़ खाली खाली जैसा पड़ा हुआ है, और कल जो हम लोग का फिर प्लान चलने वाला है तो आप लोगों को कोशिश करेंगे दिखाने के लिए सारा चीज़ कल का ब्लॉग में। और अभी तो जा रहे हैं मोजरंग, मिलते हैं मोजरंग से आने के बाद। और अभी तो सामान वगैरह लेके आ चुके हैं, ये रहा वो सामान जो कि देख सकते हैं, ये सर्फ है, और 3-4 दिन से जैसे नहीं नहाए तो आज मौसम भी अच्छा किया हुआ है, तो आज टाइम भी मिला हुआ है, आज नहा लेते हैं। और कपड़ा वगैरह भी धुलाई करना है तो जाते हैं, अभी नहाना है और कपड़ा वगैरह भी धोना है। अभी तो टाइम हो गया 10 से बजने वाला है,
मिलते हैं आगे। अभी जो नए नहाए हैं नहाने के लिए पानी गर्म कर रहे हैं और ये जुगाड़ लगा के पानी गर्म करने का वो सोल्यूशन निकाले हैं, क्योंकि तो इस तरह से पानी गर्म करके नहा सकते हैं यहाँ पे। इससे तो पानी बहुत ठंडा है, ऐसे तो नहीं नहा सकते, तो इसीलिए गर्म करके ही नहाना पड़ता है पानी। तो नहाने के बाद अभी तो नहा वाली है और प्लानिंग कर रहे हैं चेरापुंजी जाने के लिए, तो ये वाला गाड़ी से संडे को कोशिश करेंगे जाने के लिए। तो आप लोगों को चेरापुंजी ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे, और सुनने में आया है वो काफ़ी अच्छा जगह है, तो हम भी देखेंगे जो हम नहीं देखे हैं। तो हम भी फर्स्ट टाइम ही चेरापुंजी जाएंगे, तो जहाँ तक हो सके आप लोगों को ज़रूर अच्छा से कोशिश करेंगे दिखाने के लिए। अभी आए हुए इस जगह में जो कि देख सकते हैं काफ़ी दिनों से नहीं आए थे, कम से कम 5 दिन जैसा हो गया है। तो हर दिन वीडियो आके इधर ही शूट करते थे, तो अभी तो नहीं आ रहे थे, तो आज सोचे उधर ही जाके थोड़ा शूट करें वीडियो। और देख सकते हैं इधर, और ये जगह काफ़ी अच्छा शांत जगह है, और इधर में कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। अभी आए हुए हैं मेडिकल दवाई वगैरह लेने के लिए, और दवाई लेने के बाद फिर मिलते हैं। तो आप लोगों ने ब्लॉग देख लिए होंगे, तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।